इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते हरियाणा बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा है। लैंड ऑर्डर की स्थिति भी हमारी पहले से काफ़ी अच्छी हुई है और हमारे जो पैरामीटर्स जितने भी हैं आर्थिक पैरामीटर्स वो आसपास के प्रांतों में सबसे अच्छे हैं। हमारी जो फिस्कल फाइनेंस मैनेजमेंट की जो पोजीशन है बहुत हेल्दी है, जो बाकी प्रांतों की इतनी नहीं है। पड़ोस में अगर पंजाब प्रांत की बात देखें तो पंजाब में कई प्रकार के संकट आज भी हैं कि जो समय पर कई बार तो एम्प्लॉइज़ की सैलरी तक नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमने अपने यहाँ लिक्विडिटी भी जो है वो बहुत जिसको कहना चाहिए प्रावधान ऐसे किए कि लिक्विडिटी समाज के अंदर यानी हमारे पैसे की बहुत अच्छी बनी रहे, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर ये खूब हमारी बनी रहे। हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अगर एक मद में बताऊँ तो सोशल जो पेंशन है इसी में 6000 करोड़ रुपये हमारा बढ़ गया है। पहले सिर्फ 6000 करोड़ रुपये लगभग था, वो 12000 करोड़ रुपये के आसपास हो गया है। तो जो मैंने पिछली बार आंकड़े भी बताए थे 252% सोशल सिक्योरिटी का, सोशल पेंशन का जो आंकड़ा है, जो 2009 और 14 की वृद्धि थी 29% और 14-19 की जो वृद्धि है वो 252% है। तो इस प्रकार से एक पैसा जितना ज़्यादा इन्फ्यूज होगा सोसाइटी में उतना ही ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी। क्रॉप कंपनसेशन ये भी, यदि हम टोटल क्रॉप क्रॉप की जो इंश्योरेंस और कंपनसेशन स्टेट का है, कुल मिला के 3500 करोड़ से ज़्यादा हो गया इन 5 सालों में।